उत्तराखंड में पहाड़ों की ऊंचाई वाले इलाकों में पाला इन दिनों मुसीबत बन रहा है। पाले से जहां साग सब्जियां नष्ट हो रही हैं, वहीं इधर उधर जा रहे राहगीरों के साथ ही सड़क पर चल रहे वाहन भी पाले से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं चंपावत जिले के विभिन्न ऊंचाई वाले इलाकों में दिन भर गुनगुनी धूप के बावजूद शाम को पड़ने वाले पाले ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। भारी मात्रा में पाला गिरने से रोजमर्रा के कार्यों में जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी पाला ठंड के कारण काफी पाला पड़ रहा है, जिससे पाले से सुरक्षित यातायात हेतु मुख्य मार्गों पर सूचक बोर्ड पाला क्षेत्र का दर्शाने वाला तथा पाले वाले भागों में नमक का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे काफी सुरक्षित यातायात हो रहा है। बता दें कि पाले से ऊंचाई वाले देवीधुरा, खेती खान, चंपावत, लोहा घाट आदि स्थानों में साग सब्जियों पाले से जलकर नष्ट हो गई। वहीं पैदल मार्गों पर राहगीरों के साथ ही विभिन्न सड़क मार्ग पर पाला गिरने से दुपहिया और चौपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डीडी भट्ट ने बताया कि इन दिनों अत्यधिक पाला गिरने से जगह जगह दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है, जिसे देखते हुए जिले के पाला संभावित क्षेत्रों में नमक और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही इन स्थानों में सूचना सचेतक बोर्ड भी लगाए गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।